किस्सा टीवी पर हमने कुछ महीनों पहले एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम साल के हिसाब से भारत की प्रमुख फिल्मों की एक लिस्ट अपने व्यूवर्स संग शेयर करते हैं। इस सीरीज के शुरुआती तीन वीडियोस में हमने साल 1920, साल 1921 और साल 1922 में भारत में बनी प्रमुख फिल्मों की जानकारी अपने व्यूवर्स को दी थी, और आज हम अपने व्यूवर्स को साल 1923 में भारत में सिनेमा के क्षेत्र में हुए कुछ अहम घटनाक्रमों के बारे में बताएंगे। साथ ही उस साल की कुछ चर्चित फिल्मों की जानकारी भी हम इस वीडियो के जरिए देंगे। तो चलिए फटाफट ये सफर शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं साल 1923 में भारतीय सिनेमा जगत में घटे कुछ बड़े घटनाक्रमों के बारे में। क्योंकि इस वक्त तक भारत में टॉकी फिल्मों की शुरुआत नहीं हुई थी, तो इस साल बनी सभी फिल्में मूक फिल्म ही थी, यानी इन फिल्मों में किसी तरह की आवाज या डायलॉग नहीं होते थे। इस साल बनी 70% फिल्में या तो माइथोलॉजिकल फिल्म थी या फिर डिवोशनल फिल्म थी। जहां माइथोलॉजिकल फिल्मों में भगवान को रिप्रेजेंट किया जाता था, तो वहीं डिवोशनल फिल्मों में किसी भक्त की कहानी बताई जाती थी। अन्य 30% में साल 1923 में ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर बनी फिल्में थी। 1923 में ही जेएफ मादन यानी जमशेदजी फ्रामजी मादन की मृत्यु हुई थी। जेएफ मादन ने ही सन 1919 में मादन थिएटर्स की नींव रखी थी। जेएफ मादन की कहानी बड़ी ही रोचक है, और इनकी कहानी का एक पूरा वीडियो फिर किसी दिन आपको किस्सा टीवी पर देखने को मिलेगा। जेएफ मादन की मृत्यु के बाद उनके बेटे जे मादन ने मादन थिएटर्स की कमान संभाल ली। सन 1923 में ही वीके कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमेटोग्राफी का एक बहुत बड़ा नाम बने थे। गुरुदत्त की जाल फिल्म से अपना सिनेमेटोग्राफी करियर शुरू करने वाले वीके कृष्णमूर्ति ने अपने करियर में कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, नास्तिक, जुगनू, जिद्दी और चौदहवीं का चांद जैसी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी। 7 अप्रैल 2014 को 90 साल की उम्र में वीके कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था। चलिए अब बात करते हैं साल 1923 की कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में। 1923 की सबसे चर्चित फिल्म थी नूरजहां, जो कि मादन थिएटर्स लिमिटेड के बैनर तले बनी थी और जिसे जे मादन ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में पेशेंस कूपर, अल्बर्टीना, मैंचेरशा चैपगर और इजरा मीर जैसे कलाकारों ने काम किया था। एक्ट्रेस पेशेंस कूपर ने इस फिल्म में मुगल शासक जहांगीर की पत्नी नूर जहां का किरदार निभाया था। 1923 की दूसरी सबसे चर्चित फिल्म थी पत्नी प्रताप, जिसमें अभिनेत्री पेशेंस कूपर नजर आई थी। ये फिल्म भी मादन थिएटर्स लिमिटेड के बैनर तले ही बनी थी और इसे जे मादन ने ही प्रोड्यूस व डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें किसी एक्ट्रेस ने डबल रोल निभाया था। अभिनेत्री पेशेंस कूपर ने इस फिल्म में मुख्य हीरोइन और उसकी छोटी बहन का किरदार निभाया था। साल 1923 की तीसरी चर्चित फिल्म थी सावित्री सत्यवान, और इस फिल्म को भारत की पहली इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फिल्म का दर्जा हासिल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जॉर्जियो मनिनी ने, और रोम की फिल्म कंपनी सिने ने भारत की फिल्म कंपनी मादन थिएटर्स लिमिटेड के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई थी। उस जमाने की प्रख्यात इटालियन अदाकारा रीना डेल गोरो ने इस फिल्म में सावित्री और इटली के ही एंजेलो फरारी ने फिल्म में सत्यवान का किरदार किया था। 1923 की चौथी सबसे चर्चित फिल्म थी सिंघर, जो कि महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी थी और इस फिल्म को बाबूराव पेंटर ने डायरेक्ट किया था। बाबूराव पेंटर उस जमाने के बहुत बड़े और नामी फिल्म डायरेक्टर थे। ये फिल्म भी उस वक्त तक महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म में बाला साहब यादव, कमला देवी, झुंझाराव पवार और वी शांताराम ने काम किया था। नामी मराठी लेखक हरिनारायण आपटे के ऐतिहासिक नॉवेल गढ़ आलापन सिम्हा गेला पर सिंघर फिल्म की कहानी बेस्ड थी। फिल्म में शिवाजी महाराज और तानाजी मालसुरे की कहानी बताई गई है।